मेरा नाम वैभव है और आज के इस वीडियो में हम प्रोकैरियोट सेल एंड यूकैरियोट सेल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सेल्स थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड है? तो प्रोकैरियोट सेल, मेसोकैरियोट सेल एंड यूकैरियोट सेल। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल को पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं इनका प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल का क्या मीनिंग है, क्योंकि ये दोनों ही वर्ड लैटिन वर्ड हैं। तो प्रोकैरियोट सेल का मीनिंग है, प्रो मींस होता है नो और कैरियोट शब्द कर्नल से आया है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो प्रोकैरियोट सेल का मीनिंग हो जाएगा नो न्यूक्लियस सेल। क्या? तो नो न्यूक्लियस सेल। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यू कैरियोट सेल का मीनिंग हो जाएगा ट्रू न्यूक्लियस सेल। क्या? तो ट्रू न्यूक्लियस सेल। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें डिफरेंसेस की, तो प्रोकैरियोट सेल प्रिमिटिव सेल होते हैं और यू कैरियोट सेल मॉडर्न सेल होते हैं। प्रोकैरियोट सेल कैसे सेल होते हैं? तो प्रिमिटिव होते हैं और यू कैरियोट सेल मॉडर्न होते हैं। साइज, फ्रेंड्स, साइज में प्रोकैरियोट सेल स्मॉल होता है कंपेरेटिव यूकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट सेल सिंपल सेल होते हैं, जबकि यूकैरियोट सेल कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं। फ्रेंड्स, प्रोकैरियोट सेल में नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, मींस एक भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोजोम एंड वैक्यूल्स एटसेट्रा। फ्रेंड्स, ये सभी के सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। तो ये सभी के सभी यूकैरियोट सेल में प्रेजेंट होंगे, जबकि प्रोकैरियोट सेल में एब्सेंट होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं और प्रोकैरियोट सेल में एक भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होता है। फ्रेंड्स, डीएनए, प्रोकैरियोट सेल में डीएनए साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है, जबकि यूकैरियोट सेल में डीएनए न्यूक्लियस में स्कैटर्ड होता है। न्यूक्लियस सिर्फ यूकैरियोट सेल में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, उसके जगह पे न्यूक्लियाइड होता है। न्यूक्लियस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस की तरह, किसकी तरह? तो न्यूक्लियस की तरह। और न्यूक्लियाइड यूकैरियोट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि उसकी जगह न्यूक्लियस होता है हम लोगों के सेल में, मीन्स यूकैरियोट सेल में। यूकैरियोट सेल के एग्जांपल हो जाएंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स एटसेट्रा, क्योंकि हमेशा हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट सेल में ऑलवेज यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोट सेल कैसे सेल होते हैं? तो यूनिसेलुलर होते हैं। और इनके एग्जांपल हो जाएंगे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। प्रोकैरियोट सेल में डीएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, जबकि यूकैरियोट सेल में डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। फ्रेंड्स, डिवीजन, प्रोकैरियोट सेल में डिवीजन बाइनरी फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है? तो बाइनरी फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। यूकैरियोट सेल में डिवीजन किस प्रोसेस के थ्रू होता है? तो मिटोसिस और मियोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। क्या? तो मिटोसिस और मियोसिस प्रोसेस के थ्रू डिवीजन होता है यूकैरियोट सेल में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।